वेलकम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बाबा किचन के अंदर कैरी का मुरब्बा, जो कि बहुत मज़े का बनता है ये, और इसका बनाना भी इंतहाई आसान है। आप बनाएं और इसको प्रिजर्व करें, और घर में विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव डाले बगैर इसको प्रिजर्व कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है, और अमूमन नाश्ते में लोग इसको खाना पसंद करते हैं, और पराठे के साथ तो ये बहुत लाजवाब लगती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कैरी को छील लिया है यहाँ पर, और इसको इस तरीके से हम स्ट्रिप्स में काट लें। डिपेंड करता है, अगर आपको कद्दूकश वाला पसंद है मुरब्बा, आप इसको कैरी को कद्दूकश भी कर सकते हैं छील के यहाँ पर, और इस तरीके से इसको आप पकाएं। पहले बॉयल करेंगे हम यहाँ पर, पानी हमने ले लिया है, इसको यहाँ पर हम बॉयल कर रहे हैं। मुझे स्टेप्स में ज़्यादा पसंद है, तो अमूमन मैंने बचपन में बेसिकली स्टेप्स में ही ज़्यादातर खाया है। अब ये देखें, काफ़ी हद तक गल चुकी है, और अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, और इसका पानी निकालने के बाद अब हम दूसरा पैन लेंगे, और यहाँ पर हम 2 कप पानी शामिल करेंगे, और यहाँ बनाएंगे इसका हम सिरप। और सिरप में कुछ टिप्स हैं, उसको जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पर आने वाली। यहाँ पर मैंने चीनी ली है 1 कप, और बाद में मैं चीनी लूँगा 1 कप और मज़ीद, और इसकी वजह भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे लाइमन, या आपके पास लाइम हो वो यूज़ करें यहाँ पर आप। इससे ये होगा कि शीरा गाढ़ा नहीं होगा, और जिन लोगों को गाढ़ा पसंद है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, लाइम के या लेमन को। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। यहाँ पर अभी हम बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे इसके अंदर, जैसे कि ये हरी इलायची, और साथ में हम शामिल करेंगे यहाँ पर लौंग, और इसका भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। और मैं आपको बताऊँगा, इसमें अभी हम डालेंगे यहाँ पर दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स स्मॉल साइज में, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो वरना टेस्ट बहुत आ जाएगा। और यहाँ पर वजह ये थी कि अगर मैं चीनी यहाँ 2 कप डाल देता है तो सिरप बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़े होने की वजह से बेसिकली ये इसके अंदर से जो अरोमा आना था वो नहीं आ पाता। पका लिया 5 मिनट, उसके बाद चीनी दोबारा इसमें 1 कप ऐड करी, आप इसको गाढ़ा करेंगे, और देखें जब ये अच्छी तरीके से हमारी मेल्ट हो जाएगी, अगर ये आ रही है कंडीशन इसकी तो बिल्कुल रेडी है। साथ में आप इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दीजिएगा, मुझे ज़ाफ़रान ज़्यादा पसंद है, थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। और आपको मैं एक टिप देता हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अब दे रहा हूँ मैं आपको टिप। इस टिप को ध्यान में रखिएगा, अगर आप कैरी की स्ट्रिप्स को ट्रांसपेरेंट पसंद करते हैं तो उसको शीरे में 5-10 मिनट और मज़ीद पका लीजिएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।